Good morning, children. Today we learn about the Class 6 SST Civics and Chapter 3 is what is government. You must have heard the word government mentioned several times. आपने कई बार इस वर्ड को पढ़ा होगा, गवर्नमेंट वर्ड को. इन दिस चैप्टर वी लर्न अबाउट वाट इज़ गवर्नमेंट. हम ये पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है. इज एंड द गवर्नमेंट रोल इट प्ले. गवर्नमेंट हमारे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन आवर लाइफ्स. हमारे लाइफ्स में क्या इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. वाट डू गवर्नमेंट डू. गवर्नमेंट इस तरीके से क्या काम करती है. हाउ डू दे डिसाइड. वो कैसे डिसाइड करती है. वाट टू डू. क्या करना है. What is difference between different types of government? हम ये भी देखेंगे कि different types की governments कैसी होती है. Such as monasteries. Monasteries government का एक form होता है. And democracy. Democracy भी एक form में type है किसका. तो हम इसके बारे में भी इसमें पढ़ेंगे. अब देखो government के कुछ works यहाँ पे दिए हुए हैं आपको. Government sought to protect right to unorganized workers. अनऑर्गेनाइज जो वर्कर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. ऐसे ही लिखा हुआ है, मिंड में लिखा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट कैन हैव 5 मोर जजेस. गवर्नमेंट इस तरह डिसाइड करती है. तो अलग अलग डिसाइड करती है. लुक एट द न्यूज़पेपर हेडलाइन. हम न्यूज़पेपर की हेडलाइन भी पढ़ते हैं. अबाउ एंड लिस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़ दैट द गवर्नमेंट इज रिपोर्टेड टू बी डूइंग इन दिस न्यूज़पेपर हेडलाइन. आपको यहाँ पे जो है हेडलाइन लिखनी है, कौन कौन सी हेडलाइन आप देखते हैं गवर्नमेंट की. अब बात करते हैं, एवरी कंट्री नीड अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन. कोई भी डिसीजन लेना होता है सोसाइटी वगैरह के लिए, कंट्री के लिए, तो उसके लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. एंड गेट थिंग्स डन, ताकि जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से हो. दिस कैन बी डिसाइडेड अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स. कहाँ पे रोड बनाने, कहाँ स्कूल्स बनाने, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियन या किसी भी वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं आपके क्रेसल्स हैं उनके प्राइस कैसे रिड्यूस करने. व्हेन दे गेट टू एक्सपेंसिव, अगर वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और वे टू इंक्रीज द सप्लाई. सप्लाई कैसे देनी है टू इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी की. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक एक्शंस ऑन मैनी सोशल इशूज़. कई सोशल इश्यूज़ होते हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेती है. फॉर एग्जांपल, इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर. पुअर लोगों के लिए कई तरीके का प्रोग्राम्स चलाती हैं. इट डज़ अदर इम्पोर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. कई तरीके की इम्पोर्टेंट सर्विसेज वो प्रोवाइड करवाती है, जैसे पोस्टल सर्विसेज, रेलवे सर्विसेज. द गवर्नमेंट also has the job of protecting the boundaries of the country. Government कई तरीके की जो हैं protections provide करवाती है, ताकि जो हमारी boundaries हैं उनके protections हो, हमारे country की protection है. Maintain peaceful बनाने के लिए relations with other countries के साथ peaceful बनाने के लिए भी कई तरीके के protections provide करवाती है. It is responsible for ensuring. वो कई तरीके की रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो करती है. दैट ऑल इट्स सिटीजन्स को उस तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड है. इनफ टू ईट, सभी को खाना मिले. एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़, और गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड हो. व्हेन देर आर नेचुरल डिजास्टर, अगर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर मतलब प्राकृतिक घटनाएँ अगर होती है जिससे डैमेजेस होते हैं, लाइक द सुनामी, जैसे सुनामी हो जाती है, सुनामी आती है, और एन अर्थक्यू का अगर आ जाता है. इट इज़ गवर्नमेंट दैट मैनली ऑर्गेनाइज करती है, एड देती है कई तरीके की. एंड असिस्टेंट फॉर द इफेक्टिव पीपल, और इफेक्टिव जो पीपल होते हैं उनको असिस्ट करती है, उनकी केयर करती है. इफ़ देर इज़ ए डिस्प्यूट, अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट होता है, झगड़ा होता है या प्रॉब्लम होती है. और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड क्राइम, अगर कोई क्राइम करता है, तो यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट, तो उसको कोर्ट में ले जाया जाता है. कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. ये कोर्ट भी जो है गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है. परहैप्स यू आर वॉन्टिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस थिंग्स.
अब हम ये पढ़ेंगे कि इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसको कैसे मैनेज करती हैं, वाई इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी क्यों होता है फॉर देम टू डू सो, इस तरीके से वर्क करना। व्हेन ह्यूमन बीइंग लीव्स, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं हम रहते हैं और वर्क टुगेदर, एक साथ काम करते हैं, देयर नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो नीड को फुलफिल करने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, सो दैट डिसीजन कैन बी मेड, ताकि हम आपस में मिलकर डिसीजन कर सकें, सही तरीके से डिसीजन ले सकें। देखो यहाँ पे एक पिक्चर से दे रखी है, सम एग्जाम्पल इंस्टीट्यूशन दैट आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के पार्ट होते हैं, द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का पिक्चर्स आप देख रहे हैं, द इंडियन रेलवे एंड भारत पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम की सिंबल देख रहे हैं आप, ठीक है। कैन यू लिस्ट थ्री थिंग्स दैट द गवर्नमेंट डज विच हैव नॉट बीन मैंशन, आप कोई भी तीन चीज़ें ऐसे बताइए जो गवर्नमेंट करती है। सम रूलर्स हैज टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरी वन, फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को कंट्रोल करते थे, एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, टेरिटरी मतलब बाउंड्रीज होती है, बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट करते थे, सो पीपुल कैन फील सिक्योर, जिससे लोग अपने आप को सिक्योर महसूस कर सकें। गवर्नमेंट डू दिस, गवर्नमेंट भी इस तरीके वर्क करती है ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, लीडरशिप मतलब नेतृत्व करना, टेकिंग डिसीजन, डिसीजंस लेती है, इम्प्लीमेंटिंग, इम्प्लीमेंट करती है चीज़ों को, दिस अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, जो उनकी टेरिटरी के अंदर रहते हैं, उस बाउंड्री के अंदर रहते हैं। अब बात करते हैं लेवल ऑफ गवर्नमेंट, नाउ व्हाट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी थिंग्स, कैन वी थिंक ऑफ हाउ इट मैनेज टू डू ऑल दिस, कि इस तरह की जितनी चीज़ें होती है उसको कैसे मैनेज किया जाता है। द गवर्नमेंट वर्क एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट जो होती है वो अलग अलग लेवल पर वर्क करती है, एट द लोकल लेवल, जैसे आप जहाँ रहते हैं वहाँ पे लोकल लेवल कहलाता है, लोकल लेवल पे अलग वर्क करती है, एट द लेवल ऑफ द स्टेट, स्टेट पे अलग तरीके से वर्क किया जाता है, एंड एट द नेशनल लेवल, और नेशनल लेवल पर वर्क किया जाता है। तो थ्री लेवल इज़ देयर, तीन लेवल्स होती हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स टू योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी, द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन एंटायर स्टेट लाइक हरियाणा, आसाम, राजस्थान, एंड द नेशनल लेवल रिलेटेड टू द एंटायर कंट्री, और नेशनल लेवल का मतलब होता है पूरी कंट्री, इंटायर कंट्री। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस, हम इसमें बाद में पढ़ेंगे कि लोकल लेवल पर गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है, फंक्शंस करती है, एंड व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न अबाउट हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। और आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो ये पढ़ेंगे कि लोकल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर कैसे वर्क करती हैं। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ द एडजेसेंट कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ की दे रखी है इसमें, ठीक है, और स्टेट्स भी दे रखी है आपकी, नेबर बाय कंट्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज हैं, ठीक है। यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स दे रखी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिविज़न मतलब जैसे राजस्थान है, तो राजस्थान में मेन जो हैं वो कौन सी है, वो हमारे कैपिटल कौन सी है, दैट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स होती हैं, ये सारी जो हैं सिटीज़ जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न्स में काउंट होती है आपकी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे बायलॉज एंड द गवर्नमेंट, लॉज मतलब नियम, कानून जो होते हैं उसके बारे में। द गवर्नमेंट मेक्स लॉज बनाती है, एंड एवरी वन हु लिव इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज, दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शंस, गवर्नमेंट इसी तरीके से जो बायलॉज बनाती है, लॉज बनाती है, उसी के अकॉर्डिंग अपना फंक्शंस करती है, कार्य करती है, अपना वर्क करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, और इसी तरीके से उसको पावर्स मिलती है, सिमिलरली इट हैज़ द पावर टू एनफोर्स इट डिसीजन, और इसी तरीके से वो अपने डिसीजन को फोर्सली अप्लाई कर पाती है। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ ए लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन्स ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल्स मस्ट हैव अ लाइसेंस, जैसे इस तरीके का एक रूल बना हुआ है
नियम बना हुआ, कानून बना हुआ है कि जो भी मोटरसाइकिल चलाएगा उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। एनी पर्सन कैच ड्राइविंग ए व्हीकल विदाउट ए लाइसेंस, अगर कोई बिना लाइसेंस के व्हीकल चलाता है, कैन आइदर बी जेल्ड, उसको जेल हो सकती है, और फाइंड अ लार्ज सम ऑफ मनी, या उस पर किसी तरीके का चालान वगैरह किया जाता है। विदाउट दिस लॉज द गवर्नमेंट पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट टू मच यूज़, अगर इस तरीके के कानून बने हुए नहीं होंगे तो गवर्नमेंट उस तरीके से वर्क नहीं कर सकती। डिसीजन, थिंक ऑफ एन एग्जाम्पल ऑफ अनदर लॉज, वाई डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पीपुल अबाइड बाई दिस लॉ, इस तरीके के कानून बनाना ज़रूरी होता है ताकि लोग उससे थोड़ा सा डरें और उसको फॉलो करें, ताकि सोसाइटी में एक पीस बनी रहे या लोग सही तरीके से वर्क करें। इन एडिशन टू एनी एक्शंस दैट गवर्नमेंट कैन टेक, देर आर ऑल्सो स्टेप दैट पीपल्स कैन टेक इफ दे फील दैट ए पर्टिकुलर लॉ इज़ नॉट बींग फॉलोड। गवर्नमेंट ये चाहती है कि इस तरीके के जो एक्शंस होते हैं उससे उस चीज़ को फॉलो किया जाए सही तरीके से। पर्टिकुलरली लॉ इज़ नॉट बींग फॉलोड, अगर फॉलो नहीं होता तो, इफ़ अ पर्सन फील्स फॉर एग्जाम्पल दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, अगर किसी पर्सन को एक जॉब नहीं मिलती रिलीजन या कास्ट की वजह से, ही और शी मे अप्रोच द कोर्ट, तो वो कोर्ट में जा सकता है एंड क्लेम, वो क्लेम कर सकता है दैट द लॉ इज़ नॉट बींग फॉलोड, कि उसके साथ में अन्याय हो रहा है और कानून के हिसाब से वो गलत है। द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर, और कोर्ट उसके लिए ऑर्डर देता है अबाउट वाट शुड बी डन, कि क्या किया जा सकता है। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉज, गवर्नमेंट को कौन पावर देता है डिसीजंस करने की, या उनको किसी तरीके की लॉज बनाने के लिए। द आंसर इज़ दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। देर इज़ इन अ कंट्री, जो एक कंट्री में होती है, इन अ डेमोक्रेसी, अगर हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट का फॉर्म होती है या टाइप होती है। डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपुल, ये लोगों के द्वारा बनाई जाती है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर, तो लोग जो हैं गवर्नमेंट को पावर देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस, किसके थ्रू देते हैं, इलेक्शंस के थ्रू, इन विच दे वोट, वो वोट करते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्सन के लिए हैं, इलेक्ट देम, और उसको इलेक्ट किया जाता है। वंस इलेक्टेड, वो इलेक्ट हो जाता है, दिस पर्सन फॉर्म द गवर्नमेंट, तो वो गवर्नमेंट के अंदर चला जाता है। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शंस, और गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट इस तरीके से एक्शन प्लान बनाती है एंड डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल, और लोगों के साथ में मिलकर लोग जो हैं डिसीजंस लेते हैं इस तरीके के और अपना वर्क करते हैं, तो गवर्नमेंट का वर्क कहलाता है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री द मोनार्च, मोनार्च मतलब किंग और क्वींस होती है, मोनार्च, मोनार्ची गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन, वो डिसीजन लेते हैं एंड रन द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को रन करवाते हैं। द मोनार्च मे हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, एक कुछ लोगों का एक केवल ग्रुप होता है जिसमें राजा होता है और क्वींस हो सकती है। हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस, वो आपस में डिस्कस करते हैं मैटर विथ, बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेंस विद द मोनार्च, फॉर फाइनल जो डिसीजन होता है वो राजा के पास ही रहता है हमेशा, और राजा ही फाइनल डिसीजन लेता है। अनलाइक इन अ डेमोक्रेसी, जबकि ऐसा डेमोक्रेसी में नहीं होता, डेमोक्रेसी में सब लोग मिलकर डिसीजन लेते हैं, जबकि मोनार्च में जो है राजा ही फाइनल डिसीजन लेता है। किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस और डिफेंस द डिसीजन दे टेक, और राजा या रानी जो भी डिसीजन लेते हैं उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने अकॉर्डिंग कैसे भी डिसीजन ले सकते हैं, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट डिसीजन, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस, ये क्यों जरूरी होता है कि किसी भी डिसीजन को लेकर लोगों को इन्वॉल्व किया जाए उसमें, दैट इफेक्ट देम, गिव टू रीजन फॉर योर आंसर, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर टू हैव इन द प्लेस यू लाइक इन, आप कौन सी गवर्नमेंट को प्रेफर करेंगे,
विच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट दिस सेंटेंस दैट यू थिंक नीड करेक्शंस, इसमें करेक्शंस के, इन मोनार्च द कंट्री सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट होम एवर द वॉन्ट, वो किसी को चाहते हैं तो क्या इलेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो राजा के पास में जो है पावर्स होती है केवल। इन डेमोक्रेसी ए किंग हैज़ एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री, डेमोक्रेसी में किंग होता ही नहीं है तो उसके पास पावर होती ही नहीं है। इन मोनार्ची पीपल्स कैन राइज क्वेश्चन अबाउट द डिसीजन द मोनार्च टेक, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मोनार्क में तो लास्ट डिसीजन, फाइनल डिसीजन किंग का होता है और नॉर्मल पर्सन उसमें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। अब बात करते हैं हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ रिलेटेड टू द पीपल्स, पीपल्स की होती है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, देखो लिखा हुआ है क्लियर, इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ ए लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल, हमें जो ये डेमोक्रेसी मिली है ये बहुत लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद मिली है। जैसे आप जानते हैं ना ब्रिटिशर्स आ गए थे हमारे यहाँ पर, उनसे हमने काफ़ी लड़ाई लड़ी, उसके बाद में हमें ये गवर्नमेंट मिली। देर आर अनदर प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल्स हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी, दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहाँ पे इस तरीके की स्ट्रगल हुए हैं और उनको डेमोक्रेसी मिली है। यू नाउ दैट द मेन फीचर्स ऑफ ए गुड डेमोक्रेसी इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स, सबसे मेन जो फीचर्स है डेमोक्रेसी का वो ये है कि लोग जो हैं वो अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं। सो इन सेंस अ डेमोक्रेसी इज़ रूल्ड बाय द पीपल, इसीलिए बोला जाता है कि डेमोक्रेसी किसके द्वारा चलाई जाती है, लोगों के द्वारा चलाई जाती है। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल्स रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स, और लोग जो हैं अपने आइडिया के हिसाब से, बेसिक आइडियाज़ के हिसाब से पार्टिसिपेट करते हैं उसमें और रूल्स बनाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ओवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्स टू एस रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को हम दूसरे नाम से भी जाते हैं जिसको हम ये बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम किस और नाम से जान सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, डेमोक्रेसी में लोग डायरेक्टली तो पार्टिसिपेट नहीं करते बट इंस्टेंट चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन हम क्या करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं किसके द्वारा, थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस के द्वारा हम हमारे व्यक्ति को चूज करते हैं और उसे भेजते हैं ताकि वो हमारे अकॉर्डिंग काम कर सके। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजंस फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, इंटायर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो हैं वो अपने डिसीजन लेते हैं। दिस डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इट सेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज दैट इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज, इस टाइम पे जो है गवर्नमेंट जो कॉल नहीं करती किसी को भी डेमोक्रेटिक में, क्या होता है किस तरीके से वर्क किया जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजीज के थ्रू वर्क किया जाता है। इस मीन्स दैट ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट, हम कैसे मानते हैं उसमें, उसमें गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि जो एडल्ट हैं वो वोट कर सकते हैं, जो लोग वोट कर सकते हैं उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मीन्स ऑल एडल्ट इन द कंट्री आर अलाउड टू वोट। अब बात करते हैं यहाँ वोट वुमेंस फॉर वुमेंस, नाउ हेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट विलिंगली शेयर्ड पावर, पावर को शेयर करते हैं फॉल ओवर ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए वुमेंस एंड द पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। यूएसए और यूरोप वगैरह में कई कंट्रीज़ में इस तरीके की स्ट्रगल्स हुए हैं, फाइट हुई है जहाँ पे वुमेंस को पहले वोट नहीं करने दिया जाता था और उन्होंने फाइट किया इस बात के लिए कि हमें भी जो है वोट करने के लिए दिया जाए। वुमेंस स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और ये जो चीज़ स्टार्ट हुई वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट हुई थी। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेंस सफरेंज मूवमेंट, इसको कहा गया वुमेंस सफरेंज मूवमेंट, एज द टर्म सफरेंज यूजअली मीन्स राइट टू वोट।
सफरेंच मीन्स क्या होता है, राइट टू वोट, राइट टू वोट। तो जो मूवमेंट चला वो मूवमेंट क्या कहलाया, वुमेन्स सफरेंच मूवमेंट, सफरेंच मूवमेंट, सफरेंच मूवमेंट्स का सफरेंच मीन्स क्या होता है, राइट टू वोट, राइट टू वोट। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मेन्स वर अवे फाइटिंग एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन्स वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क्स दैट आर अर्लियर कंसिडर्ड मेन्स वर्क। वॉर के दौरान जो हैं मेन्स जो काम करते थे वो वुमेन्स ने भी करना शुरू किया, ठीक है। मैनी वुमेन्स बिगेंस ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, और जो वुमेन्स थी उन्होंने कई तरीके के जो ऑर्गेनाइजेशंस को मैनेज करना शुरू कर दिया, कई तरीके के वर्क करना शुरू किया। व्हेन पीपल सो दिस दे बिगन टू वंडर, और लोग उनको देखकर बड़ा ताजुब करते थे। दे हैड क्रिएटेड सो मैनी अनफेयर स्टीरियोटाइप्स अबाउट वुमेन्स, कई तरीके के स्टीरियोटाइप्स लोग उनके साथ में अनफेयर मीन्स भी करते थे। वट दे वर कैपेबल टू डूइंग, कि वो इस तरह के वर्क कैसे कर सकती है। सो वुमेन्स बिगन टू बी सीन एज बींग इक्वली कैपेबल टू मेकिंग डिसीजन, और वुमेन्स ने ये बताया कि हम जो हैं मेन्स के इक्वल वर्क कर सकते हैं, हमारे में इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं, हम डिसीजन्स ले सकते हैं, तो हमें भी वोट करने दिया जाए। द सफरेंजेटीज डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन्स, उन्होंने डिमांड की कि हम सभी लेडीज़ को जो हैं वुमेन्स को जो हैं वो पार्टिसिपेट करने के लिए लॉज बनाए जाए। एंड टू गेट देयर डिमांड हार्डली दे चेंज देमसेल्फ टू रेलिंग इन पब्लिक प्लेस, मैनी सफरेंजेंट्स वर एम्प्रेस्ड एंड वांट टू हंगर स्ट्राइक, और इस तरीके के जो इम्प्रेजनमेंट भी हुए लोगों को, वुमेन्स को जेल में डाल दिया गया, उन्होंने कई तरीके के स्ट्राइक्स की। दे हैड टू बी फेड फॉर फोर्स, और उन्होंने फोर्सली इस तरीके किया। जब इस तरीके के फोर्स जनरेट हुआ वुमेन्स के थ्रू, तो इन अमेरिका अमेरिकन वुमेन्स गॉट द राइट टू वोट इन 1920 में अमेरिका ने जो है वुमेन्स को वोट करने के लिए बोल दिया। वाइल वुमेन्स इन द UK got the vote on the same terms, और UK में भी इस तरीके की चीज़ें as men some years later in 1928 में UK ने भी अलाउ कर दिया वुमेन्स को वोट करने के लिए। देखो बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस, कैन यू बिलीव दैट देर वर ए टाइम वेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन्स एंड द पावर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, कई बार गवर्नमेंट जो है पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ नहीं करती। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म गवर्नमेंट अलाउ ओनली मेन, पहले जो गवर्नमेंट हुआ करती थी उसमें केवल मेन्स को ही अलाउ होता था वोट करने के लिए। ओनली मेन हु ऑनर्ड प्रॉपर्टी, जिसके पास प्रॉपर्टी होती थी, वन एजुकेटेड, जो एजुकेटेड होता था टू वोट, केवल वही वोट करता था। दिस मीन्स दैट वुमेन्स द पुअर, जो वुमेन्स पुअर होती थी, जो प्रॉपर्टी लेस, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी, एंड द अनएजुकेटेड, जो अनएजुकेटेड होती थी, वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको अलाउ नहीं किया जाता था वोट करने के लिए। द कंट्री वॉज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दिस फ्यू मैन मेड, जो कुछ लोगों के द्वारा ही बनाए जाते थे रूल्स रेगुलेशन। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंट से पहले ओनली ए स्मॉल माइनॉरिटीज़ वर अलाउड टू वोट, केवल कुछ माइनॉरिटीज़ को वोट अलाउ था। एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फैट ऑफ द मेजोरिटी, जिनकी मेजोरिटी होती थी केवल वही वोट कर सकते थे। सेवरल पीपल इंक्लूडिंग गांधी जी वर शॉक्ड एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस, गांधी जी और कई तरीके के जो लोगों ने इस तरह की जब चीज़ देखी कि ये तो गलत है, लोगों को सभी को वोट करने का अधिकार होना चाहिए। सो प्रैक्टिसाइज एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव टू राइट टू वोट, कि सभी जो एडल्ट्स हैं उनको वोट करने का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो पुअर हो। दिस इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, और इसको क्या नाम दिया गया, वोट करने की जो अधिकार दिया गया उसको क्या बोला गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। ऑल एडल्ट्स हैव टू राइट टू वोट, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, हम उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। राइटिंग इन द जनरल्स में एक छपा यंग इंडिया, यंग इंडिया एक जनरल था, उसमें छपा
इन 1931 में, 1931 में जिसमें गांधी जी ने ये कहा, गांधी जी सैड आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडियाज, मैं इस तरह के आइडियाज नहीं मानता, दैट ए मैन हु हैड गॉट वेल्थ, जो वेल्थ लेता है, शुड हैव द वोट, केवल उसे ही वोट दिए करने का अधिकार हो, बट दैट ए मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी, पर जिसके पास इस तरह की चीज़ नहीं है, शुड हैव नो वोट, उसे हम वोट करने का अधिकार नहीं देते, और दैट ए मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वीट ऑफ हिज बैरो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम और बींग ए पुअर मैन, लेकिन जो लोग गरीब लोगों के साथ इस तरीके की चीज़ कर रहे हैं, वो क्राइम कर रहे हैं एक तरीके का, उन्हें भी अधिकार होना चाहिए वोट करने का। ये बात जो है कौन से जनरल्स में छपी, यंग इंडिया जनरल्स में, कब छपी थी, 1931 में।